सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज उस बच्चे के हवाले से बात की जाएगी जो दम तोड़ चुका है। कुत्तों के काटने का वाक़या सामने आया था, केस लाड़काना का था, भुट्टो का शहर लाड़काना, जहां पर ये 6-7 आवारा कुत्तों ने उस बच्चे को खुराक बना डाला था। आज से कोई 27 दिन पहले की बात है और उसके बाद वो 24 घंटे वहां लाड़काना में गुजारे उसने, फिर यहां पर उसको लाया गया कराची, फिर 3-4 अस्पताल बदले गए और फिर NICH में उसका इलाज होना शुरू हो गया। 27 रोज़ तक उसकी सर्जरीज, गालिबा 2 से 3 सर्जरीज उसकी की गई, लेकिन वो बच्चा ज़ख्मों की ताब ना ला सका और इंतकाल कर गया। उसके वालिद ने भी इसके ऊपर जो है वो कमेंट्स दिए, कुछ वो सारी बातें करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब बच्चे को उन आवारा कुत्तों ने काटा, उसके बाद उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया लाड़काना में, सबसे बड़ा सवालिया निशान। उसके बाद उसकी सर्जरी वहाँ पर क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, कराची लाना पड़ा उसे, कराची के अंदर सर्जन क्या कहते रहे, मुख्तलिफ अस्पतालों का विजिट करना पड़ा। उसके बाद NICH के अंदर जब उसकी सर्जरीज करने के लिए उसको लाया गया तो ये कहा गया कि जो वायरल होता है पूरे जिस्म में फैल चुका था जहर, उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन दी गई, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो उसको दी गई। उसके बाद उसको ये कहा गया कि अब कुछ दिन सब्र करने के बाद इसकी सर्जरीज की जाएंगी। सर्जरी बहरहाल पहली सर्जरी कामयाब हुई थी, उसके बाद जो दूसरी तीसरी सर्जरीज हुई हैं उसके अंदर क्या मामला थे और वो बच्चा अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये वाकया ऐसा है कि ये झंझोड़ देता है इंसान को, लेकिन इसके ऊपर सिंध हुकूमत का क्या मौका है, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA सौराब सरकी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सर इंसान मरे तो मरे, कुत्ता ना मरे, कुत्ता मार मुहिम जो शुरू की गई थी वो भी रोक दी गई थी, फिर उसके बाद अब नब्जबंदी की बातें की जा रही थी, अब नब्जबंदी भी कर दी जाएगी, लेकिन ये आवारा कुत्तों को काटने से कैसे रोकेंगे, ऐसे वाकयात से कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए पहली बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस है और सबको जिस तरह आपको अफसोस है, बड़ा अफसोस है। मैं जो उनके वर्षा है उनसे ताज़ियत करता हूँ। हसनैन कुत्तों ने काटा, जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल आपने जो मंजर बताया बिल्कुल यही मंजर हुआ, और उसके बाद कोशिश की गई वहाँ पर लाड़काना में, क्योंकि पहले ही उसकी पोजिशन जो थी काफ़ी सीरियस थी, इस वजह से उसको यहाँ पर कराची शिफ्ट किया गया, किसी न किसी तरीके से उसकी जान बचाई जाए। अफसोस की बात है ये, वो आज जो है वो हम में नहीं रहा, ये बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसमें जो कुत्ता मार मुहिम जो आप बात कर रहे हैं वो तो पूरे सिंध में वो चल रही है बहुत सारी जगहों पर, और उसको मेरे ख्याल में कोई रोका वगैरह नहीं गया है। बाकी ये है कि कुछ NGOs हैं जो मतलब वो इस पर एतराज उठा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और पूरे सिंध के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात और सूबों में भी हुए हैं, लेकिन ये वाकयात नहीं होनी चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन सर आपकी सारी बातें जो है वो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें की आपने, लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब तो शायद सिंध हुकूमत से मांगे जा रहे हैं ना, कि आप मुझे ये बताएं, लाड़काना भुट्टो का शहर है, वहाँ पर ना तो सर्जन मौजूद है, वहाँ पर ना तो एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद है, सर ऐसा क्या जुल्म कर दिया आप लोगों ने वहाँ की आवाम पर कि वो फिर कराची आते हैं और रुल जाते हैं यहाँ पर आके? सर बात यह है कि एंटी रेबीज वैक्सीन भी मौजूद है, इसका जो केस है वो ये जो आप बता रहे हैं एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। सर देखिए ये मुर्तजा साहब भी इस बात का इकरार करते रहे लेकिन नहीं थी, जरा ये बता रहे हैं। मैं आपको जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कहूँगा, वो रेबीज एंटी रेबीज इंजेक्शन इनको लगाया भी गया। मसला ये है कि इनको कोई 5-4 जो कुत्ते हैं उन्होंने मिलकर इनको काटा और इतना बुरी तरीके से काटा कि वहाँ पर इनका इलाज जो है वो बड़ा मुश्किल था। वहाँ पर इतने सर्जन तो हैं लेकिन ये है कि इनका सर्जरी करना नहीं जानते,
नहीं नहीं डैमेज इतनी थी और पूरा ये इतना बड़ा वाकया हुआ था, हम ये चाह रहे थे, गवर्नमेंट ये चाह रही थी किसी न किसी तरीके से उनकी जान बच जाए। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, केयर ज्यादा बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, धारकाना और कराची में फर्क है। इस वजह से उसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया और हतुल इमकान कोशिश की गई कि उसकी जान बचाई जाए। तीन ऑपरेशन भी हुए आपने कहा, लेकिन अफसोस उनकी जिंदगी नहीं बच सकी। बहरहाल अब जो ये है सर, बड़े बड़े दावे किए गए थे वजीर अली साहब की जानिब से, भी दावे किए गए थे, मुर्तजा वाफ साहब ने दावे किए थे जब ये वाकया हुआ तो कहा था कि बड़ा इसको जो है ना ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तमाम चीजें बचा लिया जाएगा, लेकिन नाकाम हो गए ना। मैं बताऊं, इलाज का दावा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जिंदगी बचाने का कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए स्ट्रेटेजी तो बना सकते हैं, ये हिकमत अमली तो बना सकते हैं, ये कुत्तों को पकड़ने का मामला, वैक्सीन का मामला, ये तो आपके हाथ में सारी चीजें। हिकमत अमली हुई, कोशिश की गई, यहाँ पर कराची लाया गया, लेकिन वो जान भर नहीं हो सके, अफसोस की बात है। लेकिन ये है कि अभी ये आइंदा मतलब इस तरह के कोई वाकयात नहीं हुए, हमें इन चीजों से सबक सीखना चाहिए और ये इस तरह का आइंदा कोई वाकया नहीं हो। बात ये है कि ये बिल्कुल हुआ है और ये कुत्ते शायद ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी एक और बच्चा कराची में आकर दम तोड़ गया था, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, हम लोग मजम्मत करते हैं सिर्फ। पहले बच्चे का केस था, जो वो केस जरा डिफरेंट किस्म का केस था, ये जरा डिफरेंट, उसको पागल कुत्ते ने काटा था और वो बकौल उनके वो उसकी भी सर, मसला तो कुत्ते नहीं काटा था ना, अब आवारा हो, पागल हो या कोई भी कुत्ता हो, तो इनकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देना। देखें, उसके लिए रोकथाम के लिए तो कुत्ता मार मुहिम शुरू की है, ठीक है, और बीच में एक एनजीओ भी आई है, वो भी कह रहे हैं कि हम, वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम उनको न्यूट्रल कर देंगे, वो भी काम कर रहे हैं। कितना परसेंट कर लिया काम, क्योंकि मुझे तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। डॉक्टर साहब कितना परसेंट काम कर लिया, मुझे तो कराची में काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो लड़काना तो फिर भी बहुत दूर है। नहीं नहीं, आप बहुत कुत्ते मरे कराची के अंदर, लड़काना के अंदर, मेरा म्युनिसिपल कमेटी ठुल के अंदर, मैं खुद पता नहीं कितने मैंने देखे हैं, जो कि मतलब फेसबुक पे उनकी तस्वीर आती है, बिल्कुल मरे पड़े हैं। और दूसरे कुछ लोग जो हैं, वो जो कुत्ते को जो जहर की गोली दी जाती है जब उनका खून बहता है, तो उन पे भी तबसरा करते हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है। और अब ये तो अपनी जगह पर इस्लामी तरीके से भी देखा जाए और कोशिश की जाए कि कोई ना कोई, मैं तो ये कहता हूँ कि इनका हल होना चाहिए, न सिर्फ कराची में, पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह ये आवारा कुत्ते फिर रहे हैं और ये काट रहे हैं बच्चों को, लोगों को, ये बड़ी डेंजरस। चले सर, हसनैन तो हमसे जुदा हो गया ना, चले गया, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आप ये बताते हैं और बच्चों के लिए, और जो आने वाले हमारे जो वाकयात हो सकते हैं नाखुशगवार वाकयात, उनसे बचने के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? आपने कहा कि एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद है, मुझे एक अस्पताल बता दे, मैं वहां का दौरा कर लूंगा, जाके वहां पे देखूं तो क्या है भी कि नहीं। सर मैं मेरे एक अस्पताल बता देता हूं, आप मेरे ताल के ठुल के अंदर गड़ियासन सर की हॉस्पिटल है, जहां से मेरा ताल्लुक है। एक दिन में हमने आपको मैं भेज देता हूं पूरे नाम, 18 बच्चों को वैक्सीन दिए। ये कहां, जैकाबाद में? जैकाबाद में, लड़काना में। लड़काना का बता देना, कोई एक अस्पताल लड़काना का भी बता दें। लड़काना में मेन सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, मैंने कल परसों भी इसका मालूम किया है, मौजूद है वहाँ पर वैक्सीन। और दूसरा ये है कि आपको भी पता है कि वैक्सीन जब से हमारा इंडिया के साथ टेंशन हो गई है, तो वहां से वैक्सीन आती थी, यहाँ पर पाकिस्तान में भी नहीं, वे इम्पोर्ट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमें वैक्सीन चाहिए वो कम है, और हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा भी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन भी ज्यादा होनी चाहिए। और जो भी तरीका होता है इनको, कुत्तों को कंट्रोल करने का, कुत्तों को मारने का, या जो है जो भी मतलब इस्लामी तरीके सर, ये मामला इतना बढ़ कैसे गया है? मैं तो ये समझता था एक मामूली सा मामला था, माजी में भी ऐसा देखा गया, कुत्तों की तादाद इतनी नहीं बढ़ती थी, इसको मारा जाता था या फिर उनको पकड़ लिया जाता था, अब तो ना पकड़ा जा रहा है ना मारा जा रहा है। अगर मैं खासतौर पर कराची की बात करूँ, स्पेसिफिकली कराची की बात, बहुत तादाद है सर इनकी। पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पूरे बल्दियात का जो निज़ाम है, जो मेयर या चेयरमैन वगैरह होते थे, तो बाकायदे हर साल कुत्ता मार मुहिम चलती थी। लेकिन इस पे फिर आपको पता है कि मीडिया में और सिविल सोसाइटी और जो बाहर के मुमालिक हैं, उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ के जो हैं प्रोटेक्शन के, उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान में रुकी, जिससे ये वाकयात हो रहे हैं।
अब इनका हल निकालना पड़ेगा सर। तो उन्होंने एनजीओज ने आपके साथ ताबून किया था, मशवरा दिया था कि उनको पकड़ लिया जाए, उनके हवाले कर देते, आप पकड़ के, पकड़ा भी नहीं जा रहा। मुझे तो दुख इस बात का है, पकड़ भी चल रही है, पकड़ धकड़ भी चल रही है। आप ये देखें, पैसे हमने दिए हैं गवर्नमेंट ने बाकायदे बड़े, वो आपने वो भी देखे, पकड़ धकड़ भी चल रही है, ये सब काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। और मेरे ख्याल में चले एक चीज और, आप जो कहते हैं एलिगेशन लगाते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि डीएमसी काम कर रही है नहीं कर रही, चले यहाँ पर काम नहीं करी दूसरी सियासी जमात, लाड़काना में तो आप ही की हुकूमत है, वहाँ पे कौन कर रहा है काम, ये बताएं। मैंने ये नहीं कहा फिलहाल भाई, मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं कर रहे हैं। अब कोई और कहता होगा इस मामले में, जाहिर है कौन एमक्यूएम हो या पीटीआई हो या जिसके, तो सर डीएमसी में कौन बैठा है, ये कैसे कहेंगे कि खुदा ना खास्ता के कोई नुकसान हो, किसी की जान जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी भी पार्टी से किसी का ताल्लुक हो। ये कैसे आदमी, आम इंसान भी सोच भी नहीं सकता है कि कोई किसी को कुत्तों के आगे फेंक दे, ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जब रेजिस्टेंस आई तो इस वजह नहीं, लाड़काना में तो आप ही की हुकूमत है ना, वहाँ तो किसी और दूसरी सियासी जमात का चक्कर ही नहीं है कि कोई और रोक सके आपको, कोई और मामला तो हमारी हुकूमत है वहाँ पर, अगर किसी ने मतलब जो लोकल लेवल, बल्कि पूरे सिंध में आपकी हुकूमत है, पूरे सिंध में पकड़ धकड़ कर रहे हैं आप जी सर, पूरे सिंध में आपकी हुकूमत है, फुल फ्लैज खेल रहे हैं आप पूरे सिंध में कि कुत्ता मार मुहिम या पकड़ धकड़ मुहिम, वहाँ पे पकड़ने नहीं पकड़ने, बिल्कुल पकड़ धकड़ कराची में ज्यादातर हो रही है, बाकी कुत्ता मार मुहिम पूरे सिंध में चल रही है। चलें, कब तक, कितना कोई डेड लाइन दे दें, कब तक इंतजार करें कि ऐसा नाखुशगवार वाकया फिर मुस्तकबिल में कोई पेश ना आए? सर अल्लाह करेगा नहीं आएगा, और मुझे तो खुशी होगी मुझे इस टॉपिक पे प्रोग्राम ही ना करना पड़े। मैं आपके प्रोग्राम के तवसल से आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा और हमारे जो मिनिस्टर साहब आए उससे भी बात करूंगा कि इसमें ज्यादा तेजी लाई जाए, जितना जल्द मुमकिन हो सके कि इस पे कंट्रोल हो के दोबारा इस तरह का कोई वाकया नहीं हो। चले सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सर की हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा दी है, लेकिन यकीन दहानी कराने के बाद अब देखते हैं कि अमली तौर पर किस तरह से काम किया जाता है, क्योंकि हसनैन एक नन्नी जान हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, और ऐसा कोई और वाकया पेश ना है इसके ऊपर सिंध हुकूमत क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, या फिर डीएमसी का काम था ये कुत्ते को पकड़ना और मारना। अब मारने के हवाले से ठीक है थोड़े से इख्तलाफात हैं, तहफ़ात हैं, अब पकड़ धकड़ का सिलसिला तो किया जाए, वो भी ना किया जाए तो ऐसे वाकयात होते रहेंगे। यहाँ पर एक वक्फा लूँगा, उसके बाद दीगर स्टूडियो शामिल करेंगे।